हेलो भाई, तो मैं पंकज मीणा, और जैसे देख सकते हो तो अपने सामने बलिनो 2022 का बेस वेरिएंट सिग्मा है। इसकी कुछ चाबी कुछ ऐसी मिलती है, देखो सिंपल जो पहले चाबी आती थी वैसे सेम चाबी है। और अपन डायरेक्ट बात कर लेंगे अपन एसएस की हेडलाइट की। हेडलाइट क्या है, जो टॉप मॉडल है उसमें तो आपको पूरी एलईडी मिलती है, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो मिलता है, पर यहाँ पे आपको डीआरएल नहीं मिलते जो आपको टॉप में मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलते हैं और उसके जस्ट नीचे आपको ये फॉग लैम्प है। फॉग लैम्प असेंबली में आपको बिल्कुल नॉर्मल प्लास्टिक लगा हुआ मिलेगा, जिसमें आपको वो नहीं मिलता, फॉग लैम्प नहीं है उसका, बाहर से आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको सिल्वर फिर वो भी मिलेगा, क्रोम भी नहीं मिलता। और ऐसे यहाँ पे ना पूरे पर क्रोम आता है टॉप मॉडल में, इसके अल्फा प्लस में तो क्रोम भी नहीं। 360 कैमरा, इसमें 360 कैमरा नहीं मिलता। और सामने आपको बड़ा सा सुजुकी का लोगो मिलेगा, कुछ आपको इसमें बंपर मिलता है। हाँ, बस इसमें थोड़ा क्रोम घटा रखा है, भाई नीचे लोएस्ट वेरियंट चला रहा था, आपको थोड़ा क्रोम तो कहाँ मिलेगा आपको। और साइड से आपको ऐसी दिखाई देती है। और इसके जो ORVM है ये आपको बॉडी कलर नहीं मिलते, प्लास्टिक में। इसमें आपको इंडिकेटर भी नहीं मिलते, इंडिकेटर आपको फेंडर मिलेंगे। और अगर आप इसका सिग्मा में आपको अलॉय व्हील्स भी नहीं मिलते। इसका टायर साइज है 185/65R15 अपोलो का टायर है। जो अगर टॉप मॉडल लेते हैं आप इसका अल्फा, तो उसमें आपको 16 इंची के मिलते हैं और उसमें 195 मिलता है। और इसमें आपको 4 नट मिलेंगे और आपको सस्पेंशन कुछ ऐसा दिखता है। और जस्ट के पीछे इसके जो ये डोर हैंडल है, ये बॉडी कलर में नहीं मिलते, आपको ब्लैक मिलते हैं, जो आपको अलग ही पता दूर से पता चल जाएगा कि हाँ आदमी बेस वेरिएंट चला रहा है। और पता है इसकी अच्छी बात क्या है, इसमें जैसे आप पीछे देखते हो ना, इसमें जैसे पीछे का देखो ये लुक है, पीछे आपको यहाँ पर बलिनो की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे अपना मारुति का लोगो मिलता है, यहाँ पे नेक्सा की बैजिंग मिलती है शीशे के ऊपर, आपको यहाँ पे हाई स्टॉप लैम्प मिलता है, आपको एंटीना मिलता है, टॉप में भी यही एंटीना मिलता है, रियर डिफॉगर है, वाइपर नहीं मिलता है इसके अंदर। हाँ, पर इसमें पीछे आपको कुछ बैजिंग नहीं मिलती, जेटा अल्फा सिग्मा आप जो चला रहे हो किसी कुछ पता चलने वाला नहीं पीछे। और बेस वेरिएंट का एक फायदा बताऊँ आपको, इसमें आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। अंदर आपको स्टीरियो नहीं मिलता, पर आपको सेंसर मिलते हैं, ये अच्छी चीज़ है। और यहीं पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी, आपको पीछे रिवर्स कैमरा नहीं मिलता इसके अंदर। और नीचे कुछ इसका ऐसा कुछ स्पेस है, यहाँ पे आपकी जो फेस दिख रही है सिल्वर, ये इसकी फ्यूल टैंक है, ये ना एग्जॉस्ट है। और ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की पहले से बहुत अच्छी है। और जैसे अब डिग्गी की बात, चलो बूट स्पेस की बात कर ही लेते हैं हम आए हैं, तो यहाँ से वन टच बूट स्पेस है, देखो कितना वाइड खुलता है, बहुत ऊँचा खुलता है इसमें आराम से। यहीं पर आपको बट रिक्वेस्ट सेंसर मिल रखा है, तो यहाँ इसको दबाते ही ऑन हो जाएगा वन टच वाला। ये इसका बूट स्पेस है, 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है इसमें आपको। हाँ, इसका काफ़ी मतलब पहले भी दिक्कत नहीं थी, पहले भी इसका बूट स्पेस काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिलता है इसके नीचे भी आपको। ये आपका स्पेयर व्हील है, स्पेयर व्हील का साइज़ क्या है, वही सेम 185/65R15 सेम टायर है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है इसके अंदर। यहीं पे आपको कुछ हुक मिलता है, जिसमें आपको अपना टांग्स के होल्ड कर सकते हो। इसमें लाइट नहीं मिलती आपको, टॉप मॉडल में आपको लाइट मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। पार्सल ट्रे भी नहीं मिलती इसके अंदर, पार्सल ट्रे भी आपको टॉप में अलग से लगवानी पड़ेगी। ऐसे इसके बूट को बंद कर देते हैं। हाँ, बिल्ड क्वालिटी कह रही है मारुति बढ़ाई है, पर आप बोलते हो चेक करने के बाद पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको फ्यूल बढ़ाने का, यहाँ से आप ना फ्यूल भरा सकते हो। फ्यूल की कैपेसिटी 37 लीटर की है और माइलेज लगभग 17 के समथिंग कंपनी क्लेम कर रही है। ये देखो ये, हाँ बस ये इस चीज़ से बता देगा कि आप भाई लोएस्ट वेरियंट चल रहे हो और एक ORVM, इसके अलावा कोई बता नहीं सकता कि आप पे लोएस्ट वेरियंट टॉप वेरियंट जो भी अलॉय लगवाओ और हवा बढ़ा के उड़ाते हो। अब डायरेक्ट इसकी बोनट की बात कर लेते हैं, कि मेन तो इसका इंजन है ना भाई, इसका दिल तो इंजन ही है इसका। खुल जा सिम, खुल क्यों नहीं जी। हाँ, तो ये इसका बोनट है, बोनट तो पिछली बार से हैवी लग रहा है थोड़ा सा। ये इसका इंजन है भाई, देख सकते हो इंजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, खुला खुला इंजन, जैसे नया नया बनाया हो। इंजन की पावर कर लेते हैं, 88 BHP, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 1200 cc वाला। यहाँ पर आपकी बैटरी, ये अपना इंजन हुड, यहाँ पे आपको मतलब कवर ओवर तो नहीं मिलता। और ये अपनी ग्रीन कलर की वायर, यहाँ पे अपना वॉशर फ्यूल डालोगे, यहाँ पे अपना ब्रेक ऑयल है, देखो तो अपने फ्यूज़ बॉक्स वगैरह। और यहाँ पे देख सकते हो पेंट की क्वालिटी, बताना नहीं चाहूँगा, देख सकते हो अपना दिख जाएगी। और यहाँ पे इंसुलेशन कर रखा है। हाँ, बोनट काफ़ी हैवी है, एक हाथ से आदमी उठा लेगा, इसको बंद करने की आवाज़ सुनेंगे तो कितनी ज़ोर से आएगी, ऐसी आवाज़ आती है। और सामने कुछ आपको ऐसा कुछ इसका वो मिलता है, ये अपने वाइपर हैं, और वाइपर क्या यहाँ पे वॉशर मिला हुआ, दो वॉशर हैं, दो वाइपर हैं, अच्छा खासा है, पूरा क्लीन कर देंगे अच्छा भाई। चलो अब गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं, कि बाहर का तो मैंने मोटा मोटा बता ही दिया, और कुछ छूट गया तो भाई माफ़ी करना, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया। और जैसे कि गाड़ी के अंदर बैठने से पहले आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स देखते हैं। डोर हैंडल में आपको ये आपको हाथों से करने पड़ेंगे, ऐसे अंदर से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आपको चारों पावर विंडो मिलेंगी, यहीं से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो गाड़ी को। यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, एक बोतल आ जाएगी, यहाँ पर कुछ अपना कपड़ा वगैरह डाल सकते हो कुछ है। यहाँ पर आपको स्पीकर मिलते हैं, और यहाँ पर इसको बंद करने ऐसी कुछ थर्ड साउंड आती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कपड़ा लगा रखा है, जैसे सीट का कवर है ना, जैसे सीट कपड़े वैसे ऐसे। हाँ, गंदा होगा बाद में जाके, इतना कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है।
इसका ऐसा कुछ, उसका स्टेयरिंग है डी कट स्टेयरिंग मिलता है आपको यहाँ पे, कोई कंट्रोल नहीं मिलता, दोनों तरफ कोई कंट्रोल नहीं, हॉर्न है पीपी वाला हॉर्न मिलता है। इसकी कुछ चाबी लगा के देखते हैं, कीलेस एंट्री नहीं मिलती आपको इसमें। ये आपकी एसी ऑन हो गया, सॉरी। हाँ, इसका इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, उसको पहले यही बताऊँगा, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी आदत है। ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में आपका आरपीएम मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलता है, बीच में आपको कुछ ऐसी एमआईडी मिलती है इसके अंदर, ये आपको फ्यूल बताएगी, और बीच का तो कुछ इसमें कुछ आता ही नहीं है, आप रेंज दिखाएगी कितनी एवरेज दे रही है दिखाने वाली है, और आपको स्टेयरिंग आप ऊपर इसको ऊपर नीचे कर से एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट राइट साइड में आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं आगे हेडलाइट के, और लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, जैसे वाइपर चलाया चल गया। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मतलब स्टीरियो, जैसे टॉप मॉडल तो 9 इंच का स्टीरियो मिलेगा, इसमें आपको स्टीरियो नहीं मिलता, खाली जगह छोड़ रखी है कंपनी, जिसमें आपको अपने कुछ सिक्के विक्के डाल दो, यहाँ से अपनी हैजार्ड लाइट के, यहाँ पे अपने एसी कंट्रोल। हाँ, इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो आप ये चीज़ जो लोएस्ट वेरिएंट में भी आपको मिलता है भाई, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, ये तो हर चीज़ को देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और उसके नीचे आपको दो स्पेस मिलते हैं, कप होल्डर है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, और कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, मैनुअल गाड़ी है ये, अपना हैंड ब्रेक आर्म रेस्ट नहीं मिलता है इसके अंदर, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा स्पेस रखने को मिल रखा है, और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक है, कूल वूल कुछ नहीं है, लाइट वाइट कुछ नहीं मिलती इसके अंदर। पैसेंजर साइड भी यही स्पेस मिलता है, एक बोतल आ जाएगी, कुछ अपना कपड़ा वपड़ा कुछ सामान रखना है तो उसमें रख सकते हो। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलता है, और टिकट होल्डर के जस्ट बगल में आपको वैनिटी वाला, वैनिटी में शीशा नहीं है, और ये जो आपको ये वाला जो बीच में IRVM है, ये मैनुअल मिलता है, देखो आपने स्टिक दिख रही है, स्टिक से आगे पीछे यहाँ पे एक लाइट मिलती है हैलोजन की, ये अपने सॉफ्ट क्लोज है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं इसमें, और इसके पीछे जाके बैठते हैं, आगे तो बता ही दिया मैंने। हाँ, आपको यहाँ पे हाइट लेवलिंग स्विच मिलता है, इंजन स्टार्ट ऑटो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, 4 AC वेंट मिलते हैं इसमें पूरे के पूरे, और इसको थोड़ा बंद करते हैं, गर्मी लग रही है, पीछे जाके देखते हैं। ऐसा कुछ उसका पीछे का स्पेस है, इसमें बैठ जाते हैं फटाफट, बारिश का मौसम हो रहा है। हाँ, पीछे बैठती है आपको, इसमें पीछे रियर AC नहीं मिलता, टॉप मॉडल नाम पीछे रियर AC भी है। हाँ, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, और यहाँ पे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। आपको जो हेड रेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है, इसी के अंदर आता है, आर्म रेस्ट भी नहीं मिलता आपको, हेड रेस्ट पीछे जो नॉर्मल सीट के अंदर फिक्स है वही मिलते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोज मिलता है आराम से, और काफ़ी अच्छी स्पेस है, पावर विंडो मिल रही है, यहाँ पे भी आपको पीछे कुछ भी एक बोतल रखने की जगह मिल रही है। तो ये था भाई इस वीडियो के अंदर बेस वेरिएंट सिग्मा का ओवरऑल रिव्यू, जो उस गाड़ी के अंदर फीचर मिलते हैं क्या नहीं मिलता, जो सब कुछ बता दिया मैंने, जो उसमें मिलता है और टॉप मॉडल में क्या क्या मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।